अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। समर आखिर गया तो गया कहाँ? अरे शालिनी, तू इतने जल्दी उठ गई बेटा, क्या बात है? हाँ माँ, एक्चुअली ना वो समर सुबह से कहीं नहीं दिख रहा है और मैंने पूरी जगह देख लिया है, वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। दिख नहीं रहा मतलब? जया, तू भी इतने जल्दी उठ गई? वो एक्चुअली शालिनी ने, उसे लगा कि जया जया वो सब छोड़ो, पहले ये देखो समर कहाँ है। मैं देखता हूँ उसे बाहर में। जया, रमा, अरे समर यहाँ सोया हुआ है, बाहर आओ। समर, समर, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अंदर नींद नहीं आ रही थी तो बाहर खुले में आके सो गया। लेकिन तुम्हें मुझे बताकर आना चाहिए था ना समर, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। चलो तुम अभी अंदर चलो। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ी देर यहीं सोने दो प्लीज। समर चल अंदर, चल चल। आता हूँ, चलो चलो सब चलो, मैं भी आता हूँ। चल रमा, अरे अंदर चलो, क्या कर रही हो तुम यहाँ? चलो। हाँ चलिए। क्या हुआ तुझे? वो रात भर इस सोफे पे सोए ना तो कमर अकड़ गई। लंगड़ा रहा है बेटा, चल तू मेरे साथ चल अंदर, ध्यान से चल, आ जा आराम से। और समर मैं तब तक बाम लेकर आती हूँ। हाँ। बेटा ध्यान देना चाहिए ना। हाँ पापा। मुझे अच्छे से याद है जब मैं बाहर आई थी तब इस बेंच पे कोई नहीं था, फिर अचानक ये समर। आराम से बेटा, एक काम कर, पैर ऊपर करके सो जा। ठीक हो जाएगा। हाँ ले आई बाम, ला मैं लगाती हूँ। नहीं नहीं माम, आप रहने दीजिए, मैं लगा देती हूँ। समर चलो रूम में चलो, मैं बाम लगा देती हूँ। शालिनी इट्स ओके, तुम मुझे दे दो, मैं खुद लगा लूंगा। आप
अपने आप से अच्छे से नहीं लगेगा ना समर। चलो रूम में मैं लगा दूंगी। मैं लगा लूंगा। I'll manage. Give me. मैं लगा लूंगा। शायद से समर को सबके सामने अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, मैं रूम में लगा आती हूँ। ठीक है। बहुत डेट है ये लड़की, इसे रोकना पड़ेगा वरना ये समर को फिर परेशान करेगी। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। हाँ चाचा, मैं तो यहाँ भला करने आई थी। आप सबने देखा ना कि समर बाहर सो रहा था। हाँ। और शालिनी ने मुझ पर शक किया कि समर मेरे साथ था। मैं तो मदद करने आई थी, पर अगर उसे ऐसा लग रहा है तो फिर मेरा यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। जया को रोक शालिनी, ये चली गई तो समर तुझसे कभी शादी नहीं करेगा। जया, जया, जया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ना गलतफहमी हो गई थी, प्लीज मत जाओ। गलतफहमी तो मुझे हुई है शालिनी, मुझे लगा था मैं आऊंगी, तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हें समर के करीब लाऊंगी, पर तुम तो मुझ पर ही शक कर रही हो। अब मैं यहाँ रुककर अपनी और इंसल्ट नहीं करवा सकती। I'm sorry but I can't stay here. जया, जया, माँ, माँ प्लीज जया को रोक लीजिए ना, मुझसे गलती हो गई, मैंने माफी मांगी ना, आप प्लीज जया को समझाइए ना, प्लीज उसे रोक लीजिए। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे, उसे जाकर कह देना मैंने अपने रूम में बुलाया है। जी। अरे बेटा बेटा बाद में आना। पापा। अरे मैंने कहा ना अभी नहीं। ये तू मेरे लिए आया है? हाँ पापा, आप इसे लगा लो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तू कितना अच्छा बेटा है, कितना मासूम है, और वो तेरी माँ क्या यार क्यों कर रही है वो ये सब। बाम नहीं लगाया होगा ना, ला मैं लगाती। दादी दादी मैं ये वाटर बैग भी लाया हूँ। बहुत अच्छे, मैं वो भी लगा देती। ठीक है ओके। ब्रश करके आ जा। गेट वेल सून पापा। माँ मुझसे अभी भी गुस्सा हो? नाराज हूं, लेकिन मां भी हूं, इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती तुझे। चल पेट के बल लेट जा, तुझे बाम लगाती हूं। मां आपने बुलाया? आ जा बेटा। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। सुनो तो सही, क्या पंचायत चल रही है अंदर? बात दरअसल ये है कि अरे शालिनी,
शालिनी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ वो मैं देखने आई थी कि समर ठीक तो है ना, उन्होंने मलहम लगाया ना? हाँ हाँ लगा दिया है। अच्छा तू एक काम कर, तू उसके लिए चाय लेके आ, वो चाय मांग रहा था। हाँ माँ, पर मेरे को चाय बनानी नहीं आती ना, समर को कैसी चाय पसंद है मुझे पता भी नहीं है। हाँ वो मैं लल्लन जी जरा यहाँ आएंगे प्लीज। जी भाभी जी। जरा आप शालिनी के साथ किचन में जाएंगे? वो समर वाली चाय है ना, वो कैसे बनाते हैं इसे सिखा दीजिए प्लीज। आइए। तो बच्चों मुझे साफ साफ बताना, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। ये सब क्या खेल चल रहा है? खेल? कौन सा खेल? जया बेटा तू मुझे बता, अगर तू शालिनी और समर की सच में शादी करवाना चाहती है तो इतनी सी छोटी सी बात पर तू घर छोड़ के जा रही है? और तू समर, अगर तूने शालिनी के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है तो तू बाहर क्यों सो रहा था? और अब ये बाम लगाने के लिए मना क्यों कर रहा था? नहीं माम, शालिनी समर से बदला लेने आई है और जेरी समर का बेटा नहीं है। आमा, शालिनी किसी भी हालात में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो बच्चों तुम लोग ये सब सह क्यों रहे हो? इसका सीधा रास्ता है हम पुलिस के पास जाते हैं, चलो। नहीं माँ, ये सब इतना आसान नहीं है। माँ उसके पास झूठी डीएनए रिपोर्ट्स हैं। माँ अभी सबसे जरूरी बात है, मैं ये पता लगाना है कि वो चाहती क्या है और किस मकसद से यहाँ आई है। अब हम चाय में नमक डालेंगे। चाय में नमक कौन डालता है? समर भैया को नमक वाली चाय अच्छी लगती है, आपको कोई तकलीफ? मेरा मतलब समर भैया को नमक वाली चाय अच्छी लगती है, आप डालिए ना। समर भैया की जिंदगी में जया भाभी के अलावा कोई और नहीं आ सकता। ऐसी चाय बनवाऊंगा कि समर भैया को चिढ़ हो जाएगी तुमसे। मम्मा अभी सबसे पहले मैं जाऊंगी शालिनी के घर, उसके पति से मिलूंगी, देखती हूँ, कोशिश करूंगी वहाँ कोई ना कोई सबूत मिल जाए। समर बेटा प्लीज बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे शक किया, तुझे इतना भला बुरा कहा, तुझे मारा भी। I'm so sorry बेटा, so sorry। आपने इन हाथों से मारा था ना मुझे? आपने मारा, मैंने चूम लिया, सब बराबर। बदमाश कहेगा। जल्दी जाके सुन लो क्या बातें कर रही है। आप दोनों मेरे साथ होगे ना तो मैं सारी मुश्किल से निकल जाऊंगा। वो प्रॉब्लम नहीं है तेरी, वो जिम्मेदारी है तेरी, समझा? मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो, तुम्हें शालिनी से शादी करनी होगी, मतलब करनी होगी। और तुम जया, मैंने इतने समझाने पर भी अगर तुम नहीं समझ रही हो ना बेटा, तो तुमने जो फैसला लिया है तुम वो करो। अगर तुम्हें घर छोड़ के जाना है तो तुम जाओ, मैं भी कितना समझाऊं। अरे शालिनी बेटा, जया तुम क्या सच में घर छोड़कर जा रही हो? देखो जया प्लीज मुझे माफ कर दो, देखो तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो ना। देखो शालिनी
इसके आगे गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो जाना चाहती है ना तो जाने दे इसे। नहीं माँ, इसमें इसकी गलती नहीं है। जिस लड़की ने मेरा इतना साथ दिया, मैंने उसी पे शक किया कि मेरा होने वाला पति इसके साथ है। पर मैं क्या करती माँ, मैं इनसिक्योर हो गई थी, मैं घबरा गई थी। अब मुझे यकीन है माँ, कोई कितना भी समर को समझा ले, समर मुझसे शादी नहीं करेगा। फिर से लोग मेरे पे हंसेंगे, ताने कसेंगे और ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूंगी। ऐसी जिंदगी होने से तो बेहतर है मैं मर ही जाऊं। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं खोलूंगी, अब मुझे जीना ही नहीं है। माँ, माँ, ये सब नाटक है, उसका ड्रामा कर रही है। नहीं समर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर उसने सचमुच ऐसा कुछ कर दिया तो देख, तू उसे कह दे कि सिर्फ बाहर आ जाए वो। चल, बोल चल। शालिनी, शालिनी बाहर आओ, बैठ के आराम से बात करते हैं। हाँ, जो बातें होनी थी वो हो चुकी समर, अब मुझे चैन से इस दुनिया से चले जाने दो। रमा, ये शालिनी क्या बोल रही है? आप लोगों को दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ करना, शायद अब मौत ही मेरी सजा है। शालिनी बेटा, बाहर आ जाओ, प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं पापा जी, मेरी जिंदगी यहीं तक थी, अब मैं जीना नहीं चाहती। बेटा दरवाजा तोड़, दरवाजा तोड़। शालिनी, शालिनी, शालिनी दरवाजा खोलो प्लीज। शालिनी, शालिनी, पापा पापा, आप ये क्या कर रहे हो? देखो बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, तुम्हारी मम्मी को हम सब बाहर निकाल रहे हैं। हम्म, तो फिर मम्मा बाहर क्यों नहीं आ रही है? शालिनी बेटा, हमारे लिए ना सही, अपने बेटे जेरी के लिए तो बाहर आ जाओ प्लीज। उसे आप लोग संभाल लेना पापा जी, और उसे कहना कि उसकी मम्मा उसे बहुत प्यार करती थी। ये वाह, मेरे बेटे जेरी, तुम सही समय में एंट्री किया है तुमने। अब जेरी को देख के सबका प्रेशर और बढ़ जाएगा। मम्मा ऐसा क्यों बोल रही है? प्लीज मेरी मम्मा को बचा लो, रूम से उन्हें बाहर निकाल दो पापा प्लीज। दादाजी प्लीज, हम बचाएंगे तुम्हारी माँ को। शालिनी बेटा, दरवाजा खोलो, इस तरह निराश नहीं होते बेटा, प्लीज। तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें देंगे, तुम बाहर आ जाओ। मुझे सिर्फ इज्जत की जिंदगी चाहिए पापा जी, और मेरे बच्चे को बाप का नाम, जो कि मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि समर मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता। शालिनी, समर ने हाँ कर दी है ना शादी के लिए, और हमने पंडित से डेट भी निकलवा ली है ना, फिर क्या बात है? शादी की डेट तो बहुत दूर है पापा जी, तब तक तो समर का बार बार मन बदलेगा और मैं उसके हाना में रह तो नहीं सकती ना। आज की आज समर मुझसे सगाई करे, वरना
आज क्या सगाई? पापा एक ऐसी बातें कर रही है, तो साफ साफ धमकी हुई ना। देखिए जी, आप उसे सिर्फ कह दीजिए कि वो बाहर आ जाए, सबके साथ बैठकर बात करेंगे, प्लीज कह दीजिए। शालिनी बेटा, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। शालिनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज शाम को समर से तुम्हारी सगाई कर दूंगा।